सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5। सबसे पहले आपको एक लाइन की पोएम अपनी किताब की सहायता से स्वयं करनी है, याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड मीनिंग है, ये भी आपको स्वयं करने है बुक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला ए नंबर का आंसर है, उसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। दूसरे का आंसर है बार्ब सन। तीसरे का है ट्विंकलिंग स्टार्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। आपने जब कविता याद की तो आप ये फिल्ड ब्लैंक जो दिए गए हैं वो आप स्वयं अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अपनी बुक की सहायता से उतारने हैं। पहले आंसर है बिकॉज द स्काई हैज मेनी कलर्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर है द स्काई हैज ए बार्ब सन इन द मॉर्निंग। तीसरे का आंसर है द स्काई हैज ए ब्राइट एंड हॉट सन इन द आफ्टरनून। चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर है द क्वेल लाइक द स्काई बेस्ट इन द इवनिंग। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में करने हैं और साथ ही साथ याद करना है, क्योंकि ये कोर्स आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आना है। धन्यवाद।